गुड मॉर्निंग गाइस, मैं शुभ्रत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस कैसे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। गाइस मैंने आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट एक्सरसाइजेस, लास्ट के जो दो वीडियो थे मेरे, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहां पे आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आ गया होगा, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग आई बटन नहीं समझ पा रहे हैं तो इधर स्क्रीन शॉट आ रहा होगा उसको देख लीजिएगा, वही चीज ऊपर है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो उसमें प्ले हो जाएगा, आप क्लिक करके प्ले कर सकते हैं, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। गाइस आज जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उस एक्सरसाइज में। अब आप लोग सोचेंगे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो स्टे ट्यून विद मी, मैं आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताऊंगा। गाइस मैं आज आप लोगों को प्लैंक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये प्लैंक एक्सरसाइज हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा इस चीज। अगर आप लोग प्लैंक एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब मैं घर में था। गाइज आज जो मैं इस प्लैंक एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा, ये सही तरीका क्या है करने का और क्या क्या बेनिफिट है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्लैंक कैसे लगाया जाता है। एक चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, आप लोग प्लैंक जब भी लगाइए एक योगा मैट हो आपके पास, नहीं तो थोड़ा सा सॉफ्ट आपके पास में मटेरियल होना चाहिए, मैट टाइप की या दरी टाइप की, इससे आपका जो कोहनिया है इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। जो लोग बिगनर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कारण ये यहाँ पे छिल जाता है जब ये पहली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा तभी कोई चीज का असर आपको एक्चुअल में होगा। एक चीज और मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर आप लोग ने अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं किया है तो गाइज किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले वार्म अप कर लीजिए, एक्सरसाइज दे रहा हूँ चेकआउट कर लीजिएगा। इसको किए बिना ये एक्सरसाइज, ये छोड़िए कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म मत करिएगा, क्योंकि मसल्स आप जैसे मॉर्निंग में लमसम मान लीजिए उठे हैं, अब आप सो के उठे हैं और चाह रहे हैं कि मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर लूं, मेरी कमर नहीं मुड़ रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वार्म अप इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी एक्सरसाइज टू परफॉर्म। तो इसलिए वार्म अप की मैंने एक्सरसाइज दे रखी है, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे लगाना है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। मैं एज यूजुअल अपनी योगा मैट डाल रखा हूँ, इसमें आपको नॉर्मल हो जाना है नॉर्मल, एंड देन मैं कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, वार्म अप कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। मैंने इस तरह से दोनों हाथ रखे, एंड देन स्ट्रेट पैर, घुटना स्ट्रेट रहेगा मेरा, मुड़ेगा नहीं इसी तरह, एकदम स्ट्रेट रहेगा, और गर्दन जस्ट लाइक दिस रहेगी। आप अपनी नजरों को अपने अंगूठे को देखेंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे, सांस नॉर्मल ले सकते हैं। इसमें मेन होल्डिंग पोजीशन आपको देखनी है, बॉडी को डिसबैलेंस नहीं करना, एकदम टाइट। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं कि इसको कैसे एक किलो में करना है विद आई स्टॉप वॉच। मैं इसको एक मिनट करूंगा, साथ में स्टॉप वॉच चलेगा, आप लोग इस चीज को गौर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी एक्सरसाइज, यकीन मानिए मिस मत करिएगा। ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको जो सावधानियां मैंने उस वीडियो में दिखाई वो तो आपको बरतनी है। एक चीज और आपसे कहूंगा,
इसको अगर आप जितना ज्यादा रेपिटेशंस लगाएंगे, यकीन मानिए फायदा भी उतना ज्यादा होगा। अब मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से सब कुछ ज्यादा ज्यादा लगा लें, आपको कम से स्टार्ट करना है, एटलीस्ट इसको 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड, देन 1 मिनट, ये चीज आप कंटिन्यूसली करेंगे तब इसका बेनिफिट एक्चुअल में आपको पता चलेगा। हर चीज आपको करनी है एक सिस्टम के द्वारा। गाइज मैं डेली आप लोगों से 7:30 AM पर डे आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, और आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं पर डे एक्सरसाइज कर रहा हूँ और वही चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसको मिस मत करिएगा, टाइम नोट कर लीजिए 7:30 AM मॉर्निंग। इस एक्सरसाइज के जो रेपिटेशन थे वो मैंने आपको बता दिए कि आपको ज्यादा नहीं लगाना है, 30 सेकेंड 45 सेकेंड, देन 1 मिनट। इसके बाद अगर आप मतलब कंफर्टेबल हैं, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, आपकी जो जॉइंट्स है ये स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आप इसको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ज्यादा ज्यादा लगाने लगेंगे तो यकीन मानिए बहुत बेनिफिट होगा। आज ये जो एक्सरसाइज मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इसको गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, वो चीज सही नहीं होती। आप कोई भी एक्सरसाइज करिए उसको सही वे में परफॉर्म करिए, नहीं तो उसका बेनिफिट भी, अगर आप गलत वे में परफॉर्म करोगे तो उसका बेनिफिट भी तो आपको गलत वे में ही पता चलेगा। तो गाइज इसको सही वे में परफॉर्म करिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। गाइज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन गाइज आपके पास कैसे आएगा। फ्रेंड्स आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, तो प्लीज इसको किए बिना मत जाइएगा। तो कल फिर मैं आप लोगों से 7:30 शार्प मिलूंगा, तैयार रहिएगा बहुत परफेक्ट एक्सरसाइज के साथ। कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 30 मिनट्स वर्कआउट मॉर्निंग एंड इवनिंग। 30 मिनट्स अगर आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं सुबह और 30 मिनट अगर आप दे रहे हैं शाम को, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, मिस मत करिएगा। कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन जाने से पहले बस मैं यही चीज कहूंगा कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, रहमत उसकी है और प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ शुभ्रत, हैव अ नाइस डे।